अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉच बिफोर बाय। सो दोस्तों, आज फाइनली अपने एक फ्रेंड का जो है आईफोन 13 आने वाला है अमेज़ॉन से, बट यहाँ पे जो है अमेज़ॉन पे ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं मिलती और काफ़ी लोगों का ये कंसर्न था, काफ़ी लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे बिकॉज काफ़ी लोग के अभी नए नए आईफोन 13 आने वाले होंगे। सो जो राइडर है जो अमेज़ॉन से आ रहा है, उसने अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले फ़ोन किया था कि अभी वो आने वाला है, तो मैंने उसको फ़ोन पे थोड़ा कन्विंस कर लिया कि भाई जब आप आओगे तो मैं आपको OTP वगैरह दे दूंगा, लेकिन आप जो है थोड़ा टाइम सामने रुकना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ आईफोन की फिजिकल कंडीशन वगैरह चेक करने के लिए, ताकि आगे चलकर कोई भी इशू होता है तो ये वीडियो प्रूफ एविडेंस में जो है अमेज़न को दिखा सकता हूँ। तो राइडर अच्छा था, उसने मान भी लिया दोस्तों, तो अब वो थोड़े टाइम में आने वाला है, तब वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, अमेज़न से राइडर तो आ गया, बट मेरा माइक जो है गलती से म्यूट पे चला गया था, तो उसने यहाँ पे जो है पैकेज वगैरह ओपन किया और जो है उसने हमारे हाथ में दिया कि आप ओपन करके चेक कर लो, मैं यहीं पे रुका हूँ, आपको जो वीडियो वगैरह बनाना आप बना लो। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड का जिसका आईफोन 13 था, इसने बॉक्स वगैरह यहाँ पे निकाला, और अच्छी बात है कि अमेज़न बिल भी दे रहा है, हार्ड कॉपी बिल फ्लिपकार्ट नहीं दे रहा है इस साल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, अभी मैंने जो है इसको ओपन करना स्टार्ट किया, यहाँ पे पीछे जो है यहाँ पे दो सील टेप जैसे लगी होती है, नॉर्मल वैसी टेप लगी हुई है, ठीक है, बट यहाँ पे जो है कोई सिक्योर पैकेजिंग वाली एडिशनल टेप नहीं होती बिकॉज अमेज़न की पैकेजिंग अच्छी। तो ये बॉक्स ओपन हुआ और ये हमारा आईफोन 13 जो काफ़ी प्यारी कंडीशन में था दोस्तों, पिंक कलर का है ये। मैंने इसको निकाला और थोड़ी सी कंडीशन वगैरह चेक की, फिजिकल कंडीशन वगैरह, तो यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। और जो है दोस्तों, मैं यहाँ पे जो इसको पावर ऑन कर लेता हूँ, और जो है आपको आई बटन से कैसे चेक करना है कि आपका डिवाइस पहले कभी एक्टिवेट तो नहीं हुआ है, न्यू है या नहीं, वो चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे पावर ऑन तो हो गया है दोस्तों, और यहाँ पे जो है काफ़ी धूप थी, ठीक है, तो इसलिए डिस्प्ले प्रॉपर विजिबल हो नहीं रहा था। और यहाँ पे जो है स्टार्ट भी हो गया, हेलो लिखकर आ गया, तो मैंने आई बटन पर क्लिक किया और थोड़ा सा हम लोग साइड में गए कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिस्प्ले विजिबल हो रहा था। तो दोस्तों, आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो सीरियल नंबर दिखाई देता है वो आपको एप्पल कवरेज पे डालना है, और वहाँ पे अगर ये एक्टिवेट योर डिवाइस ऐसे दिखा रहा है, मतलब ये टोटली न्यू है, पहले कभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप ऐसे चेक कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, आपको जो है फिजिकल कंडीशन वगैरह मोबाइल की एकदम अच्छे से चेक कर लेनी, एकदम साइड पे जो है कोई स्क्रैच डेंट वगैरह नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से बारीकी से वगैरह चेक कर लेना, इन वीडियो भी बना लेना एक शॉर्ट वीडियो, ताकि आगे आके कोई भी इशू होता है तो आपके पास वो वीडियो प्रूफ एविडेंस होगा दोस्तों। सो इस तरह से दोस्तों, अमेज़न से भी आपका कोई प्रोडक्ट आए तो एक शॉर्ट वीडियो बना लेना। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका नया आईफोन तो आ गया, बट अब उसको सेटअप करना एक इंपॉर्टेंट काम है, और स्पेशली अगर आप लोग एंड्रॉइड मोबाइल से सेटअप करो तो व्हाट्सएप का डेटा वगैरह कैसे ट्रांसफर करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन के बारे में आपको बता दूं, जिसका नाम है बायहटके एक्सटेंशन। अब बायहटके एक्सटेंशन का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक क्लिक पे आप जो है डायरेक्टली अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में जो इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, आपको ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त बहुत काम आएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट इस सेल के दौरान अगर बाय कर रहे हो और आप लोग को देखना है कि सेल से पहले इससे क्या प्राइसेस था, तो यहाँ पे जो आपको प्राइस ग्राफ वाला ऑप्शन देखने के लिए मिला था राइट में, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे काम करता है। तो आप किसी भी जो प्रोडक्ट का है प्राइस ग्राफ चेक कर सकते हो कि पास्ट में कितना प्राइस था और अभी मुझे कितने प्राइस में मिल रहा है। एंड साथ ही साथ जो है आप लोग यहां पे प्राइस ड्रॉप अलर्ट भी लगा के रख सकते हो, जैसे मैंने एयरपॉड्स प्रो पे 14,000 का प्राइस अलर्ट लगा के रखा है, 14,000 पे जैसे ही आता है या उससे लो आता है मुझे तुरंत जो है मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बायहटके एक्सटेंशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक बार आप लोग जरूर जाकर चेकआउट कर लो दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप लोग एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट करने वाले हो, स्पेशली आपको व्हाट्सएप का डेटा वगैरह सबको ट्रांसफर करना है, तो आईफोन 13 को जो है सेटअप करते वक्त ही आपको एक काम करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, आपको आई बटन पे लिंक दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप आपको इजीली गाइड किया है कि कैसे आप जो है अपने एंड्रॉइड मोबाइल से आईफोन पर शिफ्ट कर सकते हो दोस्तों। सो ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना जिसका भी एक नया प्रोडक्ट आने वाला है अमेज़न या फ्लिपकार्ट से दोस्तों। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, अल्लाह हाफिज़, एंड मिलते हैं वापस।